दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाइयों के लिए एक माता काली को चलाने का सावर मंत्र लेकर आया हूँ। इस मंत्र में माता काली के साथ महाकाली का चक्कर भी चलेगा, महाकाली की खड़ंग भी चलेगी, महाकाली का खप्पर चलेगा, भैरव चलेगा, हनुमान भी चलेगा। हर शक्ति महाकाली के साथ चलने वाली है। इस मंत्र को बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाज़त लेकर करें, गुरु के आशीर्वाद से करें। मंत्र कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, साधना कोई भी हो, लेकिन गुरु की इजाज़त लेकर ही करनी चाहिए। जो लोग बिना गुरु के कोई भी मंत्र साधना करते हैं वो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनेंगे, उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और साधना मंत्र गुरु की इजाज़त लेकर ही करना चाहिए, गुरु के आशीर्वाद से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन गुरु दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहता है, या कोई साधना करना चाहता है, या साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, या साधना सीखना चाहता है, या तंत्र लाइन सीखना चाहता है, तो हर शनिवार को हरियाणा करनाल में गुरु दीक्षा दी जाती है। हमारी गुरु दीक्षा का वही 551 रुपये शुल्क है और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, वो लेकर आइए हर शनिवार को हरियाणा करनाल में। ठीक है, मिलने का समय है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक मिलते हैं, सुबह 9 से 3 बजे तक। ठीक है दोस्तों, और हाँ, मेरे पास सिर्फ वही बंदा आए जिसको वाकई में ज़िंदगी में कुछ करना है, या कुछ बढ़ोतरी करनी है, या आगे बढ़ना है, और या जिसको मजाक करना है, जो गुरु को एक मजाक की चीज़ समझता है, वो मेरे पास बिल्कुल ना आए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन एक गुरु के पास नहीं टिकता, और कभी इस गुरु के पास कभी उस गुरु के पास ऐसे भटकते रहते हैं, इसीलिए भाइयों वो मेरे पास बिल्कुल ना आए। ठीक है, अब आप मंत्र सुने, फिर मैं उसका विधान भी दूंगा। ओम नमो आदेश गुरु का। काली काली महाकाली, मरकट मसाण में रहने वाली, चल चल री महाकाली, महाकाली चल। महाकाली का त्रिशूल चले, महाकाली का चक्र चले, महाकाली का खड़ंग चले, महाकाली का खप्पर चले, महाकाली के साथ हनुमान जी चले, महाकाली के साथ काल भैरव चले, भूत चले, प्रेत चले, महाकाली की शक्तियाँ चले। कौन चलाए? मेरा गुरु चलाए। मैं चलाऊं 100 बार, मेरा गुरु चलाए 1 बार। मेरा गुरु रोके, मेरे गुरु के रोके रुके, मेरे रोके रुके। ओम आदेश गुरु गोरखनाथ जी का, दुहाई शिव शंकर महादेव जी की। आदेश आदेश आदेश, यह मंत्र है दोस्तों। मंत्र एक बार और सुन ले। ओम नमो आदेश गुरु का। काली काली महाकाली, मरघट मसाण में रहने वाली, चल चल री महाकाली चल। महाकाली का त्रिशूल चले, महाकाली का चक्र चले, महाकाली की खड़ंग चले, महाकाली का खप्पर चले, महाकाली के साथ हनुमान चले, महाकाली के साथ काल भैरव चले, भूत चले, प्रेत चले, महाकाली की शक्तियाँ चले। कौन चलाए? मेरा गुरु चलाए। मैं चलाऊँ 100 बार, मेरा गुरु चलाए 1 बार। मेरा गुरु रोके, मेरे गुरु के रोके रुके, मेरे रोके रुके। आदेश गुरु गोरखनाथ जी का, दुहाई शिव शंकर महादेव जी की। आदेश आदेश आदेश, यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को आपने शनिवार को शुरू करना है। यह साधना मात्र 21 दिन की साधना है। इसको आप सात्विक तरीके से भी चला सकते हो, तामसिक तरीके से भी चला सकते हो। जो भाई या जो मेरी बहन इसमें मांस मदरा का सेवन नहीं दे सकते, वो इसमें मिठाई वगैरह भी दे सकते हैं। इसमें 7 रंग की मिठाई, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 1 मीठा पान, माता का 16 सिंगार, माता का 1 नारियल चुनी लपेट कर माता काली के मंदिर में भी दे सकते हो। जो इसको तामसिक तरीके से चलाना चाहते हैं, वो बकरे का मांस, बकरे की कलेजी और 7 रंग की मिठाई जरूर देना, और 7 नींबू और 1 मीठा पान और 1 नारियल, ये माँ काली के नाम से शमशान में या खाली मैदान में दे सकते हो, जो उसको तामसिक तरीके से चला सकते हैं। और 1 शराब की बोतल ये ज़रूर देनी है, और भैरव जी के नाम से 11 लड्डू बूंदी के 1 मीठा पान और 1 आधा शराब का, वो अलग से भैरव जी के नाम से देना है। महाकाली का अलग देना है, भैरव जी का अलग से देना है। ठीक है, और हनुमान जी के नाम से 11 लड्डू मोतीचूर के और सिंदूर जो हनुमान जी पे चढ़ता है, चमेली का तेल और 1 मीठा पान, ये हनुमान जी के मंदिर में दे हनुमान जी के नाम से। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस साधना को बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाज़त लेकर करें, गुरु के आशीर्वाद से करें।
पहले गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, आसन जाप, शरीर की निर्मल मंत्र करे, फिर इस मंत्र की कम से कम 7 माला जाप करे। काले वस्त्र होने चाहिए, काला ही आसन होना चाहिए, काले हकी की माला होनी चाहिए और माता काली के आगे एक सरसों के तेल का दीपक लगा दें और गुलाब के पुष्पों की माला माता काली को अर्पित करें, ठीक है दोस्तों। और हाँ, 7 लौंग और 7 पतासे ये माता काली के आगे अर्पित करें। जो सामान मैंने आपको बताया है वो सामान अगर आप सात्विक तरीके से चलाना चाहते हो मंदिर में दें, या तामसिक तरीके से चलाओगे तो शमशान या खाली मैदान में दें, ठीक है दोस्तों। यह मंत्र है। इस मंत्र के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, नीचे टाइटल में मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा यह चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें, ताकि आप लोगों के लिए नई नोटिफिकेशन, नई नई जानकारी मिलती रही। और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय महाकाली, जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय शमशान काली।